हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज है 18 सितंबर। तो 18 सितंबर के आपके जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल जब हमने 17 सितंबर के करंट अफेयर्स पढ़े थे तब लास्ट में आपको एक टेस्ट दिया गया था। सबसे पहले वो टेस्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर्स। तो कल का आपका टेस्ट था कि किस विश्वविद्यालय ने टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो उस यूनिवर्सिटी का नाम है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। डी ऑप्शन आपका सही है। काफी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया था, प्लस डिटेल में भी आंसर दिया था। और अब हम स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर्स। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए प्रेस सचिव बनाए गए हैं। तो उनका नाम है अजय कुमार सिंह। ए ऑप्शन सही है। अजय कुमार सिंह हाल ही में रामनाथ कोविंद जी के नए प्रेस सचिव बने हैं। और आपको बता दूं कि जो अजय कुमार सिंह है ना, ये प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, तो प्रेजेंट में एक फर्स्ट पोस्ट, ये एक न्यूज वेबसाइट है, इसके साथ काम कर रहे हैं ये, ठीक है। और आपको ये भी बता दूं कि जो अजय कुमार सिंह है, इन्होंने बहुत सारे न्यूज पेपर कंपनीज और न्यूज पेपर्स के साथ काम किया है। जैसे कि 1985 में इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया, उसमें पत्रकार के रूप में भी कार्य किया है, ठीक है। और अभी ये रामनाथ कोविंद के प्रेस सचिव होंगे। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो अजय कुमार सिंह है, इनसे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के प्रेस सचिव कौन थे। तो इनसे पहले थे अशोक मलिक। अशोक मलिक की जगह ली है अजय कुमार सिंह ने। और देखिए ये जो पिक्चर में दिखा रही है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, आप लोगों को पता ही है हाल ही में रामनाथ कोविंद जी ने 3 देशों की यात्रा की है। और 3 देशों की यात्रा के दौरान इन्होंने स्विट्जरलैंड में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का उद्घाटन भी किया है। ये भी आप लोगों को कल करंट पे पढ़ाया गया था, तो ये भी याद रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है आज का कि भारत का पहला राष्ट्रीय रोगाणुरोधी प्रतिरोध हब कहाँ स्थापित किया है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय रोगाणुरोधी प्रतिरोध हब, इसे हाल ही में कोलकाता में स्थापित किया गया है। सी ऑप्शन सही है। कोलकाता आपको पता है ना, वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। और आपको ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट याद रखना है क्योंकि ये भारत का पहला राष्ट्रीय रोगाणुरोधी प्रतिरोधी हब है, ठीक है। और ये क्यों खोला गया है, तो आपको पता ही लग गया, रोगों को खत्म करने के लिए कदम उठाया गया है एक। और ये जो हब है ये किसके द्वारा खोला गया है, तो ये हब यूएस वाणिज्य दूतावास और यूएस स्वास्थ्य केंद्र और मानव सेवा केंद्र, उसके बाद ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा इसे खोला गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के बारे में बताती हूँ आपको। देखिए ICMR इसका जो हेडक्वार्टर है ना, ये न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1911 में हुई है। और इसके सेक्रेटरी जनरल और जो डिप्टी जनरल है वो सेम पर्सन, उनका नाम है डॉक्टर बलराम भार्गव, ठीक है। ICMR की फुल फॉर्म याद रखें, उनका नाम फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, एग्जाम से पूछा जाता है। अब ये जो हब है इसे कोलकाता में बनाएंगे, वेस्ट बंगाल के अंदर। तो वेस्ट बंगाल देखिए यहाँ पर है, इसकी कैपिटल है कोलकाता। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और गवर्नर जगदीप धनखड़ है। लोकसभा सीटें 42, राज्यसभा सीटें 16, विधानसभा सीटें 294 है। फोक डांस गंभीरा और नेक्स्ट पाक जलाधपरा नेक्स्ट पाक है पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि हाल ही में किसे वियतनाम ओपन 100 का खिताब जीता। तो उनका नाम है सौरभ वर्मा। सी ऑप्शन सही है। सौरभ वर्मा ने हाल ही में वियतनाम ओपन सुपर 100 का खिताब जीता है। और आपको बता दूं कि जो सौरभ वर्मा जी हैं, ये हमारे भारत के बैडमिंटन प्लेयर हैं। और इन्होंने फाइनल्स में किसे हराया, तो फाइनल्स में इन्होंने सून फी जियांग को हराया है। सून फी जियांग जो है ये चीन के प्लेयर हैं, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो वियतनाम ओपन चैंपियनशिप है ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई थी। तो ये चैंपियनशिप वियतनाम के अंदर ची मी सिटी में ऑर्गेनाइज की गई थी, ठीक है। और देखिए ये जो पिक्चर में दिखाई, ये है सौरभ वर्मा जी, हमारे भारत के बैडमिंटन प्लेयर।
और वियतनाम देखिए यहाँ पर है, इसकी कैपिटल है हनोई, करेंसी है वियतनामीज डोंग, और प्रेसिडेंट है निग्यून फुक ट्रोंग, और प्राइम मिनिस्टर है निग्यून जोन फुक। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वियतनाम से रिलेटेड, क्योंकि ये वियतनाम चैंपियनशिप, तो इसलिए आपको वियतनाम के बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संजीव कुमार दत्त का निधन हो गया, आपको बताने को निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। तो संजीव कुमार दत्त ये फिल्म से संबंधित थे, यानी कि सिनेमा से संबंधित थे। ए ऑप्शन सही है आपका, इनका हाल में निधन हो गया है। एज याद रखनी होगी, तो 54 ईयर की एज में इनका निधन हुआ है। ठीक है, और आपको बता दो कि संजीव कुमार दत्त हैं ये बॉलीवुड में संपादक के रूप में कार्य कर रहे थे, और इनकी जो फेमस मूवीज हैं वो है डोर, मर्दानी, एक थी हसीना, इन सारी मूवीज में इन्होंने संपादक के रूप में कार्य किया है, तो इसलिए इनका नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने गुरु नानक देव जी की रचनाओं को अंतर्राष्ट्रीय भाषा में प्रकाशित किया है। तो उस संस्थान का नाम है यूनेस्को, बी ऑप्शन सही है। यूनेस्को ने हाल ही में महात्मा गांधी जी की जो 550वीं जयंती आ रही है उसके उपलक्ष्य पर उनकी जो रचना है उसको अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करने के लिए एक कदम उठाया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यूनेस्को के बारे में पता होना चाहिए। फिर तो यूनेस्को, इसकी फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को की फुल फॉर्म है। यूनेस्को का लोगो देख लीजिए। इसकी स्थापना देखिए 16 नवंबर 1945 में हुई है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस के अंदर, और यूनेस्को के जो हेड हैं, जो प्रमुख है, उनका नाम है ओड्रे एजोले। ठीक है, ये आपको याद रखना है यूनेस्को के बारे में। और आपको बता दूं कि अभी तो ये लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहा है यूनेस्को इनके वाणी को, और उसके बाद एक साथ में और भी कदम उठाया गया गुरु नानक देव जी की जयंती के उपलक्ष्य पर, कि करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है भारत के द्वारा। ठीक है, तो वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट करंट अफेयर कि निम्नलिखित में से किसने बोस्टन फिल्म फेस्टिवल में 2 पुरस्कार जीते हैं। तो उनका नाम है नीना गुप्ता, बी ऑप्शन सही है। देखिए जो पिक्चर में दिखाई गई है नीना गुप्ता जी, हाल ही में जो बोस्टन फिल्म फेस्टिवल हुआ है उसमें इन्होंने 2 पुरस्कार जीते हैं, और इनकी ये सबसे बड़ी जीत है क्योंकि ये पहली महिला है जिन्होंने 2 पुरस्कार जीते हैं। और ये पुरस्कार इन्हें कौन कौन सी मूवीज के लिए मिला ये भी बता दूं, तो बधाई हो मूवी जो इनकी है उसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला इन्हें, और दूसरा जो पुरस्कार है ये इनकी एक नई मूवी आ रही है द लास्ट कलर, ठीक है, उसके लिए मिला है। द लास्ट कलर जो मूवी है इसमें बनारस में विधवाओं के साथ जो भेदभाव किया जाता है, उन्हें नॉर्मल पर्सन से दूर रखा जाता है और उनसे अलग उन्हें लाइफ जीनी पड़ती, तो उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया इस मूवी में। ठीक है, तो इसलिए इस मूवी के लिए भी इन्हें अवार्ड मिला है। बोस्टन फिल्म फेस्टिवल ये यूएस का एक फिल्म फेस्टिवल है जिसकी शुरुआत 1984 में हुई थी, तो यूएस के बारे में बता देती हूँ। यूएस देखिए यहाँ पर इसकी कैपिटल है वाशिंगटन, करेंसी यूएस डॉलर, प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई बोस्टन फिल्म फेस्टिवल से रिलेटेड। नेक्स्ट करंट अफेयर की हाल ही में किसने बेल्जियम इंटरनेशनल बैडमिंटन का खिताब जीता है। तो उनका नाम है लक्ष्य सेन, बी ऑप्शन सही है आपका। लक्ष्य सेन ने हाल ही में बैडमिंटन खिताब जीता है बेल्जियम इंटरनेशनल, और आपको पता होना चाहिए कि जो लक्ष्य सेन है ये हमारे भारत के बैडमिंटन प्लेयर हैं, उत्तराखंड से हैं ये, और इन्होंने फाइनल्स में किसे हराया, तो फाइनल्स में इन्होंने विक्टर स्वेंडन को हराया है। विक्टर स्वेंडन ये आपको बता दूं कि डेनमार्क के प्लेयर हैं। ठीक है, इन्हें हराकर ये इन्होंने जीत हासिल की है इस चैंपियनशिप में। क्वेश्चन से ये पता लग गया ये चैंपियनशिप बेल्जियम में ऑर्गेनाइज की गई होगी, क्योंकि ये बेल्जियम इंटरनेशनल चैंपियनशिप है। बेल्जियम के अंदर कहाँ, तो बेल्जियम के अंदर ल्यूवेन में से ऑर्गेनाइज किया गया। अब बेल्जियम के बारे में बता देती हूँ, सबसे पहले की पिक्चर में ये है लक्ष्य सेन जी। ठीक है, और यहाँ पर है बेल्जियम, इसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स, करेंसी यूरो, और प्राइम मिनिस्टर चार्ल्स मिचेल। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई बेल्जियम से रिलेटेड। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कॉग्निजेंट इंडिया का सीएमडी किसे बनाया गया। तो कॉग्निजेंट इंडिया का सीएमडी हाल ही में राम कुमार राममूर्ति को बनाया गया, ए ऑप्शन सही है आपका। सीएमडी यानी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया इन्हें। कॉग्नी
जेंट इंडिया ये क्या है, ये अमेरिका की एक सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसकी ब्रांच जो इंडिया में है ना, उसके सीएमडी बने हैं राजकुमार राम मूर्ति। ठीक है, आपको कोग्निजेंट इंडिया के बारे में बताती हूँ। इसकी स्थापना देखिए 1994 में हुई थी। इसकी जो पेरेंट कंपनी है, हेडक्वार्टर इसका न्यू जर्सी में है, और स्थापना इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम है कुमार महादेवा, और सीईओ जो है उनका नाम है ब्रियान हुमफ्रीज। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है कॉग्निजेंट इंडिया से रिलेटेड। और देखिए ये जो पिक्चर में दिखाई, ये है राम मूर्ति जिन्होंने हाल ही में सीएमडी बनाया गया कॉग्निजेंट का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पीएम को डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है? तो उनका नाम है शेख हसीना, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है। सी ऑप्शन सही है आपका। पिक्चर में जो दिखाई रही है शेख हसीना जी, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर। इन्हें हाल ही में कलाम स्मृति पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है? तो आतंकवाद को खत्म करने के लिए, अपने देश में आतंकवाद मुक्त बनाने के लिए, इनके विशेष कार्यों के लिए, जिस तरह से इन्होंने भारत और बांग्लादेश में आपसी संबंधों को बढ़ावा दिया, इन सब के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, और आपको बता दूं इस पुरस्कार के बारे में, कौन सा पुरस्कार? एपीजे अब्दुल कलाम स्मृति पुरस्कार। इस पुरस्कार की जो स्थापना है, ये एपीजे अब्दुल कलाम की याद में इसको स्थापित किया गया था। हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है नेताओं को और राजनेताओं को उनके विशेष कार्यों के लिए। ठीक है, बांग्लादेश यहाँ पर है, कैपिटल ढाका है, करेंसी बांग्लादेशी टका, और प्रेसिडेंट का नाम अब्दुल हामिद, और प्राइम मिनिस्टर बता दिए शेख हसीना नाम है उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में पहला त्रिपक्षीय अभ्यास सिटमैक्स शुरू किया गया? तो उस देश का नाम है भारत। ए ऑप्शन सही है। भारत के अंदर पोर्ट ब्लेयर में, आइलैंड है ना एक पोर्ट ब्लेयर, वहां पर आपको ये अभ्यास शुरू किया गया जिसका नाम है सिटमैक्स। त्रिपक्षीय अभ्यास है। त्रिपक्षीय क्यों? मतलब तीन देशों के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया है। ये तीन देश कौन से हैं? तो पहला तो भारत पता लग गया, दूसरा थाईलैंड है, और तीसरा देश सिंगापुर है। तो इन तीन देशों के बीच में इस अभ्यास को ऑर्गेनाइज किया गया, और इन तीनों देशों की जो नौसेना है ना उनके बीच में ये अभ्यास ऑर्गेनाइज किया गया। क्यों ऑर्गेनाइज किया? ताकि समुद्री रास्तों से आपसी संबंध बढ़ाया जा सके। यहाँ पर आपको इन दोनों देशों के बारे में बताऊंगी, उससे पहले आपको बता दूं कि हमारे नौसेना प्रमुख कौन है। तो हमारे इंडियन नेवी के जो प्रमुख है उनका नाम है करमवीर सिंह, याद रखना है आपको। यहाँ पर देखिए थाईलैंड, इसकी कैपिटल है बैंकॉक, करेंसी है बहत, और प्रेजेंट है प्रयुत चानो छा। उसके बाद दूसरा आपको प्राइम मिनिस्टर का, उसके बाद आपको सिंगापुर याद रखना होगा। तो सिंगापुर यहाँ पर, इसकी कैपिटल सिंगापुर, करेंसी है सिंगापुर डॉलर, प्रेसिडेंट है हलीमा योको, वो प्राइम मिनिस्टर है ली हसीन लूंग। ये दो देशों के बारे में याद रखना है, सिंगापुर और थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने निर्विक योजना शुरू की है? तो उस मंत्रालय का नाम है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ए ऑप्शन सही है। हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने निर्विक योजना शुरू की है। निर्विक योजना ये ना एक ऋण बीमा योजना है, जिससे क्या होगा कि लोगों को लोन लेने का जो प्रोसीजर है वो इजी किया जा सकेगा, इसलिए इस योजना को शुरू किया गया। ठीक है, निर्विक योजना इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने शुरू किया है। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मंत्री का नाम भी तो याद रखना है, पूछा जाता है ना, तो उनका नाम है पीयूष गोयल, याद रखना है इनका नाम। और आखिरी जो क्वेश्चन है आपका वो ये है कि हाल ही में कोडेला शिवा प्रसाद राव का निधन हो गया। आपको बताने को निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो कोडेला शिव प्रसाद राव ये विधानसभा अध्यक्ष थे, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष। और आपको बता दूं कि ये केरल के बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध विधानसभा अध्यक्ष थे। 6 बार ये विधायक रहे थे, 2014 से लेकर 2019 तक ये विधायक रहे थे। ठीक है, हाल ही में 72 ईयर की एज में इनका निधन हो गया है। एक्चुअली आपको बता दूं कि जो कोडेला शिवा प्रसाद राव है, इन्होंने सुसाइड किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, रीजन नहीं पता लग पाया इनके सुसाइड का, पर इन्होंने सुसाइड किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई इस क्वेश्चन से रिलेटेड, और ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा है आपको कि लास्ट में टेस्ट दिया जाएगा, तो आज का टेस्ट है कि हाल ही में किसे आंध्र प्रदेश का पहला लोकायुक्त बनाया गया? इन चार ऑप्शन में से बताना है उनका नाम। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा क्वेश्चन। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़े हमारे साथ। थैंक यू।